As a child, Diwali preparations in a family would begin several weeks before the actual festival. The atmosphere inside the house and in the city markets would be charging up at the same time. Every Diwali, I try out some fun and interesting ideas to style my home. Aur aaj main aapke saath share kar rahi hu very doable and unique upcycling DIY ideas for festival decoration. But before starting, main bata dun ki is video ke saath hai ek giveaway challenge jiske liye aapko dena hoga ek aasan se sawal ka jawab aur aap jeet sakte hain ek exciting giveaway from Big Basket. To sabse pehle na kar lo channel ko subscribe kyunki yahi to eligibility hai giveaway mein participate karne ke liye. Chaliye start karte hain. दिवाली का तो मतलब ही है लैम्प्स, लाइट, दिया एंड कैंडल्स. तो आज मैं अपसाइकिल कर रही हूँ अपने ओल्ड ब्रोकन लैम्प को. आप देख ही सकते हैं ये टेराकोटा लैम्प है जिसका जो बेस है वो कहीं कहीं से ब्रोकन है, कहीं कहीं से टूटा हुआ है और उसका बेस अब ख़राब हो गया है. इस लैम्प को फेंकने की बजाय मैंने सोचा क्यों ना इसे रिवैम्प किया जाए विद द हेल्प ऑफ जूट और मूंज रोप. किसी तरीके का भी आप रोप ले सकते हैं और आपको चाहिए हॉट ग्लू गन. हॉट ग्लू गन मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये इंस्टेंटली स्टिक करता है. अदरवाइज आप अगर फेविकॉल वगैरह से स्टिक करेंगे तो उसमें टाइम लगता है. दिस इज़ एन ईजीएस्ट वे टू स्टाइल योर ओल्ड लैम्प. बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही यूनिक है. केन जूट आर सो इन ट्रेंड दीज डेज. तो मेरा ये जो लैम्प है एकदम नया बन गया है. जहाँ जहाँ से टूटा था उसे मैंने कवर कर दिया और ये बेचारा मेरे स्टोर रूम में ऐसे ही बैठा रहता था. अब ये फंक्शनल हो गया है और बहुत प्रिटी लग रहा है. आपको ये आइडिया कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताओ ना. आई होप आप भी अपने पुराने लैम्प को अब स्टाइल कर सकेंगे. ऑल्सो गाइज, ये अब काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी हो गया है. अगर गिरेगा भी तो आई होप ये टूटेगा नहीं. चलिए अब बनाते हैं दिवाली के लिए ट्रेडिशनल वॉल डेकोर. जिसके लिए आपको चाहिए है कुछ डी आई वाई सप्लाईज. मैंने कैनवस बोर्ड का यूज़ किया है. कुछ पैचेस हैं, कपड़े के पैचेस हैं जिन्हें हम स्टिक करेंगे. लेस मटेरियल है. अगर आप कैनवस बोर्ड यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कोई भी पुरानी पेंटिंग को वाइट पेंट कर सकते हैं और उसे रीयूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज आप कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे पेंट कर सकते हैं, नहीं तो वाइट फैब्रिक भी स्टिक कर सकते हैं. अब जैसे कि बेस वाइट है तो मैंने यहाँ पॉप ऑफ कलर्स ऐड किए हैं. बाय जस्ट एडिंग सम रैंडम थिंग्स, घर पर जो लेस वगैरह हमें ईजिली मिल जाती है वही इस्तेमाल किया है मैंने. तो ये पिंक कलर की लेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है. गोटा पट्टी वाला वर्क है इसमें. तो चारों बॉर्डर्स में स्टिक कर दिया विद द हेल्प ऑफ हॉट ग्लू गन. यू कैन यूज़ इवन फेविकॉल. लेस स्टिक करने के बाद एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेंगे और उसके बाद बीच में लगा रही हूँ ये बड़ा सा फैब्रिक पैच. तो ये सब ना कोई क्राफ्ट मटेरियल नहीं है, ना कि हाई एंड सप्लाईज है. ईजिली घर में अवेलेबल चीज़ें हैं. फॉर स्टिकिंग द पैच ऑन द कैनवस बोर्ड आई हैव यूज टू वे टेप. यू कैन गो फॉर फेविकॉल और इवन हॉट ग्लू गन. उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़े से पैच को चिपकाने के बाद इसमें छोटा सा पैच चिपका रहे हैं जस्ट टू ऐड सम लेयर्स या 3D इफेक्ट देने के लिए. उसके बाद ये छोटा सा फ्लावर है, इसे भी मैंने टू वे टेप से स्टिक कर दिया है और ये कंप्लीट हो गया है. बहुत ही ईजी वॉल डेकोर आइडिया है. बस 10 मिनट में बनने वाला आइडिया है. कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा. अब इसे हैंग करते हैं वॉल पे. ये व्हाइट कलर के ऊपर पिंक कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और दिवाली के लिए तो परफेक्ट है. यस, आपने सही देखा. ऐसे मैंने 2 कैनवस बोर्ड्स को यूज़ किया है और 2 पेंटिंग्स तैयार हैं और काफ़ी प्रिटी लग रही है. किसी भी एम्प्टी वॉल को स्टाइल करने के लिए काफ़ी अच्छा आइडिया है. फेस्टिव सीजन है भाई और विदाउट शेयरिंग DIY कैंडल होल्डर्स ये कंप्लीट कैसे होता. तो मैंने बनाए हैं बहुत ही प्रिटी से ट्रेडिशनल DIY कैंडल होल्डर्स विद द हेल्प ऑफ पेपर कप. मतलब अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मैंने अपसाइक्लिंग प्रोजेक्ट्स ही क्यों चूज़ किए, ताकि आप भी कुछ ऐसा बना सकें और पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल कर सके. कोई भी हाई एंड प्रोडक्ट्स का यूज़ ही नहीं किया है. तो बस पेपर कप को मैंने पेंट कर लिया एक्रेलिक पेंट की हेल्प से और यहाँ पर हम कुछ स्टिकर्स ऐड करेंगे जो कि पर्ल स्टिकर्स हैं. सिंस इट्स फेस्टिव टाइम तो मैंने सारे ब्राइट कलर्स का यूज़ किया है. उसके बाद ना हम इसमें मिरर स्टिक करेंगे ताकि ये चमचम जैसी वाली फीलिंग दे और दिवाली जैसा तड़का लगाएं. बस ऐसे मैंने 4 कप्स रेडी किए हैं. हमारा जो ये पेपर कप है ऑलमोस्ट रेडी है. इसके बाद यहाँ पे मैं एक लेस स्टिक करने वाली हूँ ताकि इसमें एक ट्रेडिशनल टच मिले. तो आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ऐड कर सकते हैं, फेविकॉल या हॉट ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टिकिंग. और इस तरीके से हमारा जो सिंपल आइडिया है DIY कैंडल होल्डर का वो रेडी हो जाएगा और ये बहुत प्रिटी लग रहा है. इसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे और क्विक और इंस्टेंटली बनने वाले कैंडल होल्डर्स तैयार होंगे. इसे आप टेबल पर स्टाइल कर सकते हैं, मंदिर में स्टाइल कर सकते हैं, एंट्रेंस पर भी स्टाइल कर सकते हैं, इवन रंगोली के साइड्स में भी रख सकते हैं. आई जस्ट लव डूइंग DIY
DIY, और जितने लोगों को भी DIY करना पसंद है ना, वो काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे इस वीडियो से, बिकॉज DIY इज लाइक अ थेरेपी और आप ऐसे ही कुछ नया बना पाते हैं। नाउ टू एड सम कैंडल्स, मैंने यहाँ कैंडल होल्डर्स का यूज किया है क्योंकि ये पेपर कप्स है तो यहाँ मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो हमने सिंपल कैंडल होल्डर रखे और उसके अंदर हम कैंडल्स प्लेस करेंगे। ऑल्सो गाइज, आप बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स का भी यूज कर सकते हैं। मैंने ना इस बार सोचा उर्ली खरीदने से अच्छा है उर्ली बनाई क्यों ना जाए, जिसके लिए ना बहुत सिंपल चीजों की जरूरत है और उस उर्ली से मैं रंगोली भी बना सकती हूँ। देखिए कैसे, आपको कुछ रियल फ्लावर्स और लीव्स चाहिए। यस, लीव्स से भी आप रंगोली बना सकते हैं, लेकिन जो भी पत्तियां आप यूज कर रहे हैं ना वो थिक हो, जैसे कि मैंने चंपा लीव्स का इस्तेमाल किया है। अब चलिए बनाते हैं उर्ली। उर्ली बनाने के लिए एक्रिलिक पेंट, कुछ क्राफ्ट सप्लाईज मतलब फेविकॉल, मिरर वर्क्स, इन सब का यूज किया है, और हम पुराने दिए नहीं तो फ्रेश टेराकोटा दिया भी आप ला सकते हैं, उसे पेंट कर सकते हैं। उर्ली का बेस बनाने के लिए मैंने MDF बोर्ड का इस्तेमाल किया है, आप बड़ा सा कार्डबोर्ड भी कट कर सकते हैं। तो इस MDF बोर्ड को मैंने पहले वाइट बेस दिया है एज अ प्राइमर, क्योंकि इस पे जो भी कलर मैं अप्लाई करूंगी तो उसकी वाइब्रेंसी कम ना हो और वो उभर कर दिखे। चलिए अब पेंट करते हैं सारे दिए। तो दिए पे भी मैंने वाइट बेस दिया है और इसे टॉप और बॉटम दोनों पे ही पेंट करना है, क्योंकि उर्ली पे जब हम इसे रखेंगे तो बेस ना खराब नहीं दिखना चाहिए। और इसके बाद यहाँ वाइब्रेंट कलर्स हम ऐड करेंगे। कोशिश करिएगा कि आप रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक ऐसे कलर्स ऐड करें, बिकॉज इट्स फेस्टिव टाइम। नाउ इट्स टाइम टू चेंज द कलर ऑफ MDF बोर्ड। यस, MDF बोर्ड को येलो करने के बाद मैंने सारे दियों में मिंट ग्रीन कलर ऐड किया है, ग्रीनिश कलर है। उसके बाद हम मिरर्स स्टिक करेंगे, तो आप किसी भी शेप पैटर्न के मिरर्स इसमें स्टिक कर सकते हैं फेविकॉल की हेल्प से। ये जो DIYs मैं आपको बता रही हूँ ना, सारी मॉमीज अपने किड्स के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं ये फन एक्टिविटी। अब पेंट करते हैं बड़े वाले दिए को, जिसमें मैंने ऑरेंज कलर पेंट किया है टॉप और बॉटम दोनों में ही। उसके बाद सिमिलरली हम मिरर्स स्टिक करेंगे, लेकिन इन मिरर्स के बीच में एक छोटे छोटे कुंदन भी ऐड करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट टच देने के लिए। अब ये उर्ली वाले आइडिया को रंगोली के फॉर्म में यूज करने के लिए ये MDF बोर्ड मैं एंट्रेंस पे रख रही हूँ, आप किसी भी बड़े स्पेस में रख सकते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर हम सारे दिए प्लेस कर देंगे। मैंने किसी भी इसको स्टिक नहीं किया है क्योंकि इसे आप बार बार यूज कर सकते हैं और ये टेम्पररी आइडिया है। अगर आप इसे परमानेंट बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी ग्लू से इसे स्टिक कर सकते हैं। नाउ वील बी एडिंग सम फ्लावर्स एंड लीव्स रंगोली बनाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से आप राउंड रंगोली तैयार कर सकते हैं और जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी बना सकते हैं। आपको बस गेंदे के फ्लावर्स और रोज पेटल्स और लीव्स ही चाहिए और उन्हें मैंने दिए में भी फिल कर दिए और कैंडल्स रख के हमारी ये उर्ली वाली रंगोली तैयार है। ये आइडिया आप ट्राई करेंगे कि नहीं कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस फेस्टिव सीजन में अगर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और गेस्ट को घर पर बुला रहे हैं तो ये सेल्फी पॉइंट काफी अच्छा लगेगा, जहां पे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। दिस लास्ट हैक इज सो इजी और आपके साथ शेयर करना तो बनता ही बनता है, क्योंकि गेंदे के फूलों का तो इस्तेमाल होता ही है फेस्टिव टाइम में, लेकिन इससे हम वेस्ट भी स्टाइल कर सकते हैं। कैसे, आपको कुछ बैम्बू स्टिक्स चाहिए जिसे आपको इन फ्लावर्स में इंसर्ट करना है और ये स्टेम वाले गेंदे के फूल तैयार हैं और इन्हें आप वेस्ट में स्टाइल कर सकते हैं। तो इस बार गेंदे के फूलों को भी थोड़ा हटके स्टाइल किया जाए। तो आई होप आपको ये DIY अपसाइक्लिंग आइडियाज पसंद आए होंगे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द गिव अवे क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट कलर डिड आई पेंट द MDF बोर्ड? कमेंट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन विन एक्साइटिंग गिफ्ट वाउचर्स फ्रॉम बिग बास्केट। और हाँ, अगर आपको किचन स्पेस को मैक्सिमाइज करने के बारे में जानना है तो ये वीडियो जरूर चेक करिएगा। सो या आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।